बॉलीवुड स्टार कंगना रनावत ने अपनी पूरी जिंदगी की रियल लाइफ में बहुत से लोगों को लड़कों को चांटे मारे हैं, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें पहली दफ़ा चांटा पड़ा है। जी हाँ, कंगना रनावत जो कि बॉलीवुड स्टार है, सुपरस्टार तो वो थी कभी, लेकिन फिलहाल वो एक स्टार है। और अभी हाल ही में वो एमपी बनी है, और एमपी बनने के बाद ही हरियाणा से वो दिल्ली जा रही थी कि हरियाणा एयरपोर्ट पे ही एक कुलविंदर कौर नामी जो कि पंजाब से रिलेटेड थी, CSF की एक कोई कांस्टेबल थी, CSF के जो वो सिक्योरिटी इंचार्ज में को कांस्टेबल थी वहाँ पर, तो उसने जो है वो उसे एक थप्पड़ मार दिया। पहले गाली दी और फिर थप्पड़ मार दिया। वाक्या कुछ ऐसे हुआ है कि वो जो पंजाब से लड़की थी ना, उसकी वालदा पर, माँ पर एक कमेंट पास किया था इन्होंने कि ये 10-10 रुपये में बिकने वाले लोग हैं, और पिक्चर उसकी लगाई थी। तो वो वहाँ पर भी फार्मर प्रोटेस्ट में थी, तो उसने कहीं दिल में ये रिवेंज रखा हुआ था, जो कि उसने एयरपोर्ट पर बदला ले लिया। अब जाहिर है वो एक एमपी है, और हाल ही में भी कनेक्ट हुई है आवाम के साथ, तो एक तो उससे स्लैप हो गया, और वो पिछले 10-12 साल से जो गवर्नमेंट है उसकी वो एमपी है, तो उस के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होनी थी, CSIF के जवान के ख़िलाफ़, कॉन्स्टेबल के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हुई है उसके ख़िलाफ़। उससे मुअत्तिल भी कर दिया गया है अपने ओहदे से, और उसे गिरफ़्तार भी कर लिया गया है, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर दी। अभी जो कुछ उसने किया है, ये सुनने और देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि एक लड़की ने उस लड़की को जो किसान, जो कि ज़ाहिर है उनके मुल्क के हैं, जैसे हमारे यहाँ पर किसान हैं, हमारे भाई हैं, वैसे वहाँ पर वो किसान उन्हीं के लोग हैं, सिख है ज़्यादातर लोग, हिंदू भी हैं उसके अंदर, क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं, तो उनके खिलाफ था फार्मर प्रोटेस्ट। तो उसके खिलाफ जैसे ट्वीट किया हुआ था ना, तो वो भी उसे एक हीरो की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन अगर इसी तरह ये पाकिस्तान में ये बहुत दफ़ा हो चुका है, इंडिया में भी ये बहुत दफ़ा देखने को मिला है, अगर ये कांग्रेस की होती या जो अभी एलाय बना है उनका, कांग्रेस एलाय वो होती, तो फिर क्या होता। और अभी तो ये जाहिर है ओपोजिशन में, ये गवर्नमेंट में है, तो अभी तो वो मुअत्तल कर दी गई है, और ये हुआ भी गलत है। मैं इसकी मतलब मजम्मत ही करूँगा कि ये अच्छा काम तो नहीं हुआ, और हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, हम तो वैसे भी पाकिस्तान में बैठे हैं, हम तो सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है, और ये सवाल ये है कि अगर ये गवर्नमेंट के ये होती, ये लड़की, ये कुलविंदर कौर, ये अगर गवर्नमेंट की सपोर्टर होती और किसी ओपोजिशन के लड़के को या किसी एमपी एमएनए को एमएलए को मार देती थप्पड़, तो फिर क्या होता। फिर इसे फिर भी इसी तरह मुअत्तल करके, गिरफ्तार करके, इसके ऊपर FIR काटी जाती, या फिर जो कुछ पहले हो चुका है वैसे ही होता।